जी बेटा, आप इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखें। हमें दिया हुआ है साइन माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट टू एंड द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थ्री, कि टर्मिनल साइड जो एंगल की है ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव देखें किस किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में और फोर्थ में। अब यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स कम डैश है और यहाँ वाई डैश है। थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो लेकिन उसने खुद बता दिया कि ये थर्ड में नहीं है, तो अगर थर्ड में नहीं है तो फिर फोर्थ में होगा, अगर फोर्थ में है तो फिर फोर्थ में फिगर बनाएंगे। बेटा इस तरह से करके बेस हमेशा रखेंगे एक्स एक्सिस पे और ओरिजिन को मिला देंगे हाइपोटेन्यूस जी। तो बेटा यहाँ पर ओ, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर यहाँ पर देखें तो माइनस वन है और हाइपोटेन्यूस स्क्वायर रूट टू है। हमें कैसे पता चला बेटा, इसलिए कि हाइपोटेन्यूस कैन नॉट बी नेगेटिव, हाइपोटेन्यूस यही है स्क्वायर रूट टू और ये परपेंडिकुलर माइनस है। और अगर फिगर के लिहाज से देखें तो ये वाई है, जो ये वाई एक्सिस ये नेगेटिव वाली साइड है, इसलिए ये नेगेटिव वाली वैल्यू आ गई, तो ये हमारी फिगर बन गई। अब हम बाई पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, बाई पैथागोरस थ्योरम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर रूट टू। बेस, बेस हमने मालूम करनी है ओ से लेकर ए तक, ये हमारी बेस है इसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है जो ये है माइनस वन इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पर टू बचेगा, यहाँ बच जाएगा ओ ए इसका स्क्वायर, और माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है प्लस वन। इसको जब हम हल करेंगे तो ये इधर बचा था टू, बेटा ये टू और वन इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, हमने मालूम करना है ओ ए, तो ओ ए इसका स्क्वायर रह जाएगा। ओ ए का स्क्वायर है जो ये इक्वल होगा, टू में से वन माइनस करें तो वन, और अब हमने बेटा इसका ले लेना स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ओ ए इसका स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वन का स्क्वायर रूट, ओ ए इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस वन। लेकिन हम ओ ए कौन सा सेलेक्ट करेंगे, वो साइड देखकर, ये जो हमारी साइड है ओ ए वाली, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस वन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस वन, आगे लिख देंगे बिकॉज, बिकॉज ओ ए इज द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है एक्स एक्सिस की, इसलिए हमने इसको प्लस वन सेलेक्ट की है, तो यहाँ पर आप प्लस वन पुट कर दें। अब बेटा हमने लिखनी है 6:6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो बेटा हमें साइन की वैल्यू उसने बताई थी माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट टू, इसको उल्टा दें तो स्क्वायर रूट टू ऊपर चला जाएगा और माइनस वन नीचे, लेकिन माइनस हम सेंटर में लिखेंगे क्योंकि नीचे नहीं लिख सकते, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम मुख्तसर लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट टू, नीचे वाले वन की कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरीके से कॉस देखें तो यहाँ फिगर में हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस वन है और हाइपोटेन्यूस है स्क्वायर रूट टू, तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी वन ओवर स्क्वायर रूट टू, इसका उल्ट होगा स्क्वायर रूट टू ओवर वन कोसेकेंट, स्क्वायर रूट टू है जो ये इसका आंसर, नीचे वाले वन की कोई वैल्यू नहीं होती। टेन देखें तो ये होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो बेटा ये परपेंडिकुलर माइनस वन और इसके नीचे वन, इसको हम शार्ट लिख सकते हैं माइनस वन। इसी तरीके से कार्ट लिखें तो बेटा वो भी यही बनेगा, नीचे वाला वन ऊपर, ऊपर वाला वन नीचे और माइनस सेंटर में रह जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस वन। तो ये बेटा हमने उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दी। बेटा हमने तो 6:6 फाइंड कर दी, लेकिन उसने हमें सिर्फ टेन सीकेंट और कोसिकेंट कहा था, तो आप अगर चाहें तो ये तीन ही लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.3, वेरी इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 8 और 9
बार बार कीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आती है। ओके।